हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ व्हाट आई ईट इन अ डे एज वेल एज़ मेरा लेटेस्ट वेट क्या है, और अभी जर्नी चल रही है कि नहीं चल रही है, ख़त्म होगी, वो सारी चीज़ें आज पता चलेंगी। एंड ये ब्लॉग है 9 मार्च का, क्योंकि 10 मार्च को मेरा एनिवर्सरी है, तो आज मैंने मेहंदी भी लगाई है, और उससे पहले थ्रू आउट द डे क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें शेयर होने वाली। एंड में ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाए। सो दिन की शुरुआत हुई है थोड़ा सा जुम्बा के साथ, बिकॉज आज मेरा योगा और वॉक का दोनों का मूड नहीं था, तो जुम्बा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो ड्रिंक लिया है वो लिया है कोकोनट वाटर। आई एम ब्रेकिंग माई इंटरमिटेंट फास्टिंग विद दी कोकोनट वाटर और या पेठे का जूस, जो मैंने बनाया नहीं, कोकोनट वाटर बनाया। उसके बाद फिर मैंने लिया है वही 12:30 बजे ये ब्रेकफास्ट या लंच, मतलब ब्रेकफास्ट ही समझ लो, मैंने स्वैप कर दिया है। मैंने 12:30 बजे ले लिया है अपना जो लंच में खाना था, वो मैंने फर्स्ट मील ये ले लिया है। और आप देखिएगा फिर अब मैं लंच में क्या खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है टमाटर की सब्ज़ी, कच्चे टमाटर की सब्ज़ी, और लिया है मूली का रागी का, मूली के पराठे बनाए थे, लेकिन मैंने अपने लिए रागी की रोटी बनाई है जिसमें मूली डाल के बनाई है, तो एक ही बात होगी। तो ये देखिए, और रोटी भी बनाई है, सादा रोटी भी बनाई है, टिफ़िन में मूली के पराठे गए हैं, रागी की रोटी बनी थी एंड सादा एक दो रोटी भी बनाई थी। तो ये मेरा लंच है, सॉरी फर्स्ट मील है, 12:30 बज रहा है, और ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, क्योंकि आप रात लास्ट जैसे कि रात के 8 बजे खाती हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरे 14 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग चलता है, तो जो पहला ड्रिंक लेती हूँ वो जीरा वाटर लेती हूँ मॉर्निंग में उठ के, सारे काम धाम करती रहती हूँ। उसके बाद जब फिर योगा एक्सरसाइज या जुम्बा में से, तीनों में से मैं मोस्टली योगा एंड वॉक ही करती हूँ। आज मन था जुम्बा करने का तो कर लिया, उसके बाद तुरंत बाद फिर मैंने कोकोनट वाटर लिया था, क्योंकि तुरंत आप सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए जब आपका फास्टिंग आप तोड़ते हो। तो लंच में मैंने लिया है ये एक गिलास जूस, जिसमें बीटरूट है, वाटरमेलन है, और आंवला है, अदरक है, और मिंट है, और एक एप्पल है, उसका जूस ले लिया है। अगस्त को मैं खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी खा लिया था, ठीक है। तो अभी बज रहा है 2, सो खाना मैंने खाया था 12:30 बजे, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 2:30 बज रहा है, 2 घंटे हो गए हैं। सो आई एम हैविंग माई जूस विद सम ड्राई फ्रूट्स, जो कि थे किशमिश, बादाम, तो क्योंकि मैंने मॉर्निंग में नहीं खाए थे तो मैंने अभी खा लिया, ठीक है। तो अच्छा लगा, मज़ा आया खा के, और बहुत एक्साइटेड हूँ। शाम को मैंने मेहंदी बुलाया है घर पे लगाने के लिए। तो ये देखिए, मैं लंच में बनाने जा रही हूँ अपने लिए बीटरूट चीला, जो मैं बना रही हूँ शाम के 3:30-4 बजे, बिकॉज मुझे फिर अगस्त को लेकर ट्यूशन भी जाना है, तो इसीलिए। तो सो मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन लिया है, उसमें हींग डाला है, अजवाइन डाला है, एंड दही डाला है, और हरी मिर्च कट करके डाली है, नमक नहीं डाला है। और यहाँ पे देखिए बीटरूट, पूरा एक बीटरूट मैंने कसा है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट चीला है जो आई हैव ईटन, मतलब मैंने विंटर सीजन में थ्रू आउट द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चीला ही चीला खाया है, पर आज बहुत दिन बाद मैं ये बीटरूट चीला बना रही हूँ लंच में। तो ऑब्वियस है, जब मैंने सुबह मॉर्निंग में 2 रोटी रागी की, जो कि मूली की रोटी थी, खूब सारी सब्ज़ी, वो सारी चीज़ें खा ली हैं, और तो मुझे दोबारा तो मैं लंच में वो सारी चीज़ें ना ही खा सकती हूँ, ना ही मुझे इतनी भूख लगी है। और उसके बाद मैंने जूस लिया है, उसके बाद फिर ये एक चीला जो कि मैंने चाय के साथ लिया था। सो 4 बज रहा है इस टाइम, बनाते बनाते 4 बज गया था। सो चीला एंड चाय खाने के बाद मेरा हो गया पेट फुल, उसके बाद सोचा चलो गणपति जी को नई नई करा देते हैं, बहुत दिन से ये रखे हुए थे, मतलब इनको मुझे नहलाना था। एक्चुअली इनकी मंदिर में पूजा नहीं होती, एज अ शो पीस हैं ये मेरे घर में, लेकिन मैं इनको राखी बांधती हूँ। शो पीस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग शो पीस गणपति जी का आइडल रखते हैं, बट एक्चुअली मैं शोपीस तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, गणपति जी की हर आकृति में, हर चीज़ में उनका अस्तित्व होता ही है, तो मानो तो कुछ नहीं, पत्थर है मानो तो सब कुछ, तो इनको ही मैं राखी बांधती हूँ। एक्चुअली मंदिर में मैं राखी बांधती हूँ जाके, बट जैसे कि कभी कभार होता है कि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं इनको ही राखी बांध लेती हूँ। तो ये लास्ट ईयर की राखी है, जो कि अब जो रक्षाबंधन आएगा ना, तब मैं इसको हटाऊँगी, तो साल भर ये राखी बांध के रखते हैं। तो ये जो गणपति जी आइडल हैं, वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर
ड्राइवर थी जो मुझसे मिलने आई थी गुजरात, वो लेके आई थी मेरे लिए, पूनम दी नाम है उनका। सो अभी तक मैंने इनको संभाल के रखा है, 2019 में दी। बेटा रोड पे बॉल नहीं खेलना, पकड़ के रख बॉल, बॉल नहीं खेलना। बाहे बोल रहा, चल तो अगस्त्य का ट्यूशन भी हो गया और उसको मैं लेकर भी गई थी पार्क में थोड़ा घुमाने के लिए। और अभी बज रहा है 7:30-8:15। यहाँ पर मैं करेले फ्राई कर रही हूँ जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट पसंदीदा करेले, मुझे ये इस तरह से करेले खाना बहुत पसंद है और एज अ अचार की तरह मैं खाती हूँ। आप ये जो कढ़ाई देख रहे हो ना, एक्चुअली क्या हुआ, ये करेले का ही तेल था, समझ रहे, इतने करेले मैं बना बना के खाई हूँ तो तेल इतना सारा इकट्ठा हो गया, अब वो कड़वा हो गया। और कहते हैं ना फ्राई करा हुआ तेल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, मेरे पास इतना सारा तेल जमा हो गया तो मैंने सोचा चलो इसी में फ्राई कर लेते हैं। तो जब फ्राई करा हुआ तेल आप यूज़ करते हैं ना तो उसमें फेना आता ही है। तो चलो ये तो तेल की बात हुई, मैं करेले मैं बता रही थी, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से। और जैसे कि ऐसा सब्ज़ी नहीं खाती हूँ मैं, ऐसा साइड में थोड़ा सा प्लेट में रख के ही खाती हूँ मैं। 4-5 दिन खाऊँगी इसको, मैंने 9 तारीख को बनाए थे ये, और आज तक, आज कितनी तारीख, आज ब्लॉग जा रहा है 13 मार्च को, अभी तक चल रहे हैं, अभी भी रखे हुए हैं। तो एक यही करेले की सब्ज़ी ऐसी है जो मैं डीप फ्राई खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ, इकट्ठे ऐसे नहीं खाती हूँ भर के सब्ज़ी की तरह, है ना। तो इसीलिए ये जब 5-6 दिन खाती हूँ तो उसमें उतना ऑयल तो ऐसा कुछ जाता नहीं है, बाकी तो मैं कोई चीज़ डीप फ्राई खाती ही नहीं हूँ। तो ये हमारे यमी से करेले बन गए। अब मैंने कपड़े में इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि मेरे पास वो टिश्यू पेपर था ना वो ख़त्म हो गया है। तो कोमल आ गई है जो मुझे मेहंदी लगाएगी, जो कई बार आपने देखा होगा अगस्त्य के साथ खेलती है, और तो वो आई है, आई थिंक वो 6:30 बजे आ गई थी एक्चुअली में, बट मैं को इसको लेके आना था ट्यूशन से, फिर इधर उधर हम घूमने लगे, सामान लेने लगे इधर उधर, तो वो फिर मिस हो गया क्योंकि ये 9 तारीख का है तो 10 को हमने कथा भी रखी है, तो उसका सामान भी एक दो चीज़ें लेनी थी तो बहुत लेट हो गया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई टेंशन ना लो, वैसे भी मेहंदी लगाने में 2 घंटे जाएंगे, 10 तो बजे आएंगे, तो हम तो घर मतलब गाड़ी से उसको छोड़ देंगे, तो जितने भी काम है मुझे निपटा लें दो, फिर नहीं तो फिर बाद में तो कुछ टच कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये मैंने सुबह ही रख दिए थे धो धा के और नमक डाल के, तो अगर मैं इसको नहीं आज बनाती ना तो ये सुबह तक सड़ जाते रखे रखे। तो मैंने कहा लो बना लें, करेले ख़राब होते हैं तो बहुत दुख होता है मुझे। तो ये देखिए मैंने एयरटाइट कंटेनर में रख दिए हैं और इसको फ्रिज में भी नहीं रखूँगी मैं, बाहर ही रखे रहेंगे ये, और बाहर ही रखे रहे 4-5 दिन तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब फ्रिज में रखने से क्या होता है कि बार बार मुझे ओवन में गर्म करना रहता है, ओवन में गर्म करो तो वो ऑयल निकल आता है, फिर अच्छे नहीं लगते हैं वो। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, और बहुत सारी मैंने हरी मिर्च भी फ्राई करी है जो कि बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं, उनको प्रॉब्लम है बीज से, बीज निकालो तो ही खाएंगे। तो अभी चलिए मेहंदी का टाइम हो गया, मेहंदी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो कोमल बैठी हुई है। एंड आज मैं अपना वेट भी बताऊँगी कितना है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग 10 तारीख का भी मैंने अपडेट दिया है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो ऑब्वियस है मेन वेट तो वही होता है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो फ्रेशन अप होते हो उसके बाद जो वेट होता है ना वही मेन होता है, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया है। और मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 500 ग्राम की जर्नी बाकी है। ये दिखाओ मेरा मेहंदी, ये देखो मेरी मेहंदी। अगस्त क्या देख रहा है? अगस्त
हंसते हो दीदी, क्या कर रही है? हंस रही है, मेहंदी निकाल रही है, मेहंदी लगा रही है। क्या लगा रही है? बोल, मेहंदी लगा रही है। तेज बोल। आजी, मेहंदी लगा। क्या कर रही है? मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगा रही है। कौन लगा रही है? अगस्त्या। कौन लगा रहा है? अगस्त्य लगा रहा है। हाँ। अगस्त्य लगा रहा है। अच्छा, नहीं तो किसने लगाई? हाँ? किसने लगाई? दीदी। दीदी ने लगाई। हाँ। ये बोलना बस। बताएगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। बता बता। चलो भाई। बता ये कौन है पीछे? ये? हाँ, कौन है? किकी। किसकी? किकी। किसकी है? पापा की है, मम्मा की है, क्या अगस्त्य की है? बताओ बताओ पहले किसकी? ये। अरे दीदी तो है पर है किस? हाँ, दीदी को दिखा रहा। पूरी गाड़ी का वो रिव्यू ऐसे करके खोलते हैं पर्दा। कौन है? हाँ। अगस्त्य तू है? हाँ, अगस्त्य मेरे बेटे का नाम है। अगस्त्य मामा का है। अगस्त्य किसका है? अगस्त्य तू है बेटा। आप हो अगस्त्य? और अगस्त्य किसका है? मामा पापा का है। हाँ, अगस्त्य किसका बेटा है बता अभी तो? मामा का है ना। हाँ। तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो पूछा था, मामा का बेटा। मामा का बेटा कौन है? हाँ, पापा का बेटा कौन है? अगस्त्य की दीदी कौन है? कोमल। मैं हूँ दीदी। दीदी बोलो, कोमल दीदी। अगस्त्य की दीदी कौन है? कोमल। बोल को। ओ नहीं, को। को क्या बोल रही हूँ?
नहीं बेटा, ये फट टूटो, हैंड वॉश नहीं करना है, बस अपने आप काली हो जाएगी कल, और उसमें कुछ बचा नहीं है, सब सूख रही है। ओके गाइस, सो अभी बज रहा है 12 और हम सीरीज देख रहे थे। मतलब ये मेरी मेहंदी अभी झड़ा दी, कल तक काली हो जाएगी। तो हम देख रहे थे मत्स्य कांड, उस पर एमएक्स प्लेयर पे। तो अभी 12 बज गए, तो ये केक लाए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कल केक कटिंग होगी, बट ये लाए और हमने एक दूसरे को विश की। ओ माय गॉड, लगाओ तो है प्रियंका शशील। सो गाइस, सो अभी हम केक कटिंग करने जा रहे हैं, तो बस ऐसा थोड़ा क्लिप ले रहा है मेरा, और मैंने एक ही मोमबत्ती वो करी थी, मैंने कहा एक छोड़ दी थी, एक साथ में करेंगे ऑफ कैमरा। तो ये देखिए अभी हम केक कटिंग कर रहे हैं, और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर कमेंट साइड से। सुशील जी क्यों कट करो। हैप्पी एनिवर्सरी सुशील जी। सो मेरा वेट है 55.55। अब मुझे 500 ग्राम और कम करना है, मेरा हो जाता, बट अभी ये सब सेलिब्रेशन चल रहे थे, इसकी वजह से नहीं हो पाया। बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ कल।